रो रो के बुरा हाल हो गया, इधर अपनी आंखें दिखाएं, फुल लाल हो गई इनकी, रो रो के बुरा हाल कर लिया, ठीक है। और जबकि बस थोड़ी सी प्याज रह गई है कटने वाली। गाइस आप देखेंगे अहमद सेक रहे तवा हटा के, और मैं ना तवा, मुझे डर लग रहा था कि अपने ऊपर ना गिरा लूं। नहीं भाई, तवा तो, बाकी में गिर जाना था। हाँ, इसलिए मैंने जो तवा हटाया नहीं, मैंने ऐसे कपड़े से पकड़ के सेक दी। हमने ऑयल निकाला था ना, अच्छा अब ये ऑयल हम इसमें ये तो गोल बन रही है, मुझे तो लग रहा है मैं गया। तो बस आप बना लो, ये देखते हैं कि कैसे बनाती हैं। तो जी ये वो रोटी बाकी डल गई है। बिस्मिल्लाह, अच्छी है हैं? कमाल यार वाकई में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आप सब बिल्कुल सही है। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम लोग आए हुए हैं कराची, ठीक है, और हमारी महफिलें चल रही थी, इसलिए हमें ना टाइम नहीं मिल रहा था व्लॉग श्लॉग बनाने का, ठीक है। बहुत बिजी है, मतलब जब से हम कराची आए ना तब से डेली डेली महफिलें थी, ठीक है। बस हमें आज, हाँ आज का और कल का हमें टाइम मिला हुआ है, तो हमने सोचा कि यार क्यों ना आज अच्छा सा व्लॉग बनाते हैं। तो मैंने लाइवों को बोला यार आप अपने हाथ की निहारी बनाओ और अच्छी सी दो रोटियां बनाना। इनकी रोटियां मुझे उम्मीद नहीं है कि अच्छी बना पाएंगी, और बल्कि लाइवा मेरे ने एक चैलेंज है कि दोनों रोटी बनाएंगे, एक आप बनाना एक मैं बनाऊंगा। तो आप लोग देख के बताना कि रोटी किसकी अच्छी बनी है। हाँ। तो अभी निहारी की तैयारियां कर रही हूं। अच्छा गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि मैंने अभी निहारी बनानी है, ठीक है, और देखते हैं कैसी बनती है। वैसे मुझे खुद पे यकीन नहीं है कि मैं अच्छी बना लूं, ठीक है, और रोटी का थोड़ा सा डाउट है, लेकिन रोटी भी कोशिश करूंगी अच्छी बनाने की, पहली बार रोटी बनाऊंगी, ठीक है गाइस। और बनाना सीख लो, क्योंकि बाद में बड़े हो गए रोटियां भी खानी है। अच्छा पता है क्या, आज और कल की हमारी कोई महफिल नहीं थी, बल्कि ली ही नहीं मैंने, क्योंकि मैंने कहा यार थोड़ा गले को रेस्ट मिलना चाहिए, गले को। और मुझे बाली क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बात। ओहो, तो जो है ना मैंने कहा थोड़ा रेस्ट भी मिलना चाहिए, तो आज हम कर रहे हैं रेस्ट, और आज हम जो है ना निहारी शर्ट बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। आप हमारे साथ में और देखते रहे, ये जो है ना अपने पापा के दीवाने हुए हैं, ठीक है, अहमद वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, और जो है ना ये बस कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह उछल के पापा के पास। हाँ, ये बड़ा तेज हो गया, आओ माशाल्लाह, ये देखना, ये बस जो है ना इन्होंने बड़ा, अभी अभी देखते हैं, अभी अभी इसको नीचे छोड़ेंगे ना, ये ना भाग के, हाँ ये देखना ये आए, हाँ आप देखना मेरे पास ही आए, आ जाओ, नहीं भाई मम्मा के पास क्यों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी देखना मैं इसको घुमाऊंगा, अभी ये गुस्सा करे, ये गुस्सा करेगा देखना। हाँ क्या मसला है, है इधर क्या क्या मसला है, ओ वाह भाई वाह, ये तो गिर गया ट्रोलिंग करने लग गए ये, और ये अब पूरे घर में ऐसे ही फिरते हैं। हाँ हाँ जी, आप अपने पास बुलाओ इसको, देखो अपनी मम्मा के पास नहीं जाना, मेरे पास ही आना है। गुस्सा कर रहा है कि जो है ना मैं इधर आगे पीछे क्यों जा रहा हूँ। अच्छा जी, निहारी की सारी चीज़ें रेडी हुई हुई हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ, तो मैं खुद दिखाऊंगी आपको दिखाने की जरूरत। अच्छा चलो, अब तमीज से बैठे रहना, मम्मा को खाना बनाने दो। ये पता नहीं, नहीं कोई चक्कर नहीं है, वापस कोई चक्कर नहीं है, वापस बैठो चलो, देखना अब मेरे पाँव को पकड़ेंगे, ठीक है, और चढ़ जाएंगे, आए हैं अब ये ऐसे ऊपर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे लोग मुझे ये चलो 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 चलो, क्या हो गया किधर खड़े हो जाओ, ये जो है ना बस आपके पास नहीं आता, कोई नहीं, अच्छा है ये चाहती हैं कि जो है ना मैं मेरे पास ही रहे, मैं आराम से जो है ना रेस्ट करूँ, है बड़ी नहीं, नहीं, मुझे खुशी है। चलो किधर किधर किधर, अपनी मम्मा के पास जाओ, चलो चलो अभी मुझे कहाँ दे रहे हैं, अभी आप इसे पकड़े, ये आप ही को दे दो, ठीक है। हाँ चलो जी जाओ जाओ,
अच्छा जी भाई, लाइबा फर्स्ट टाइम जो है ना निहारी बनाएंगी अपनी जिंदगी में। आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं बना के खिलाया मुझे, बल्कि खिलाया यार जो हाँ खिलाया खिलाया। तो जो है ना हाँ भाई दाल गोश्त, हाँ हाँ। तो जी अब लाइबा जो है ना फर्स्ट टाइम निहारी बना रही है, तो ये हमारे पास चिकन पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मसाले पड़े हैं। मैं बताती हूँ, ये सबसे पहले प्याज है, ठीक है, ये चिकन है, और ये किचन है, और ये आटा, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये निहारी मसाला पहले से हमने बना के रखा हुआ था। ये हरे मसाले हैं, तो ये हमने जो है ना लास्ट में इनका काम होता है, मतलब जो ऊपर से थोड़े लवाज डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले अपनी प्याज की जानिब बढ़ेंगे कि हमने और प्याज भी पता नहीं लगा कैसे काटती हैं, जरा देखते हैं हम। यार पहले काट चुकी हूं, मुझे आती है। अच्छा कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा चलो देख लेते हैं। हां भाई आंसू निकल रहे हैं, ठीक है, मुझे तंग करोगे तो यही होगा, ठीक है ना। प्याज काटने का काम मुझे नहीं आता है, ये क्या ना, ये मेरे आंसू निकल जाते हैं। अच्छा जी, रो रो के बुरा हाल हो गया, जरा अपनी आंखें दिखाएं, फुल लाल हो गई हैं इनकी, रो रो के बुरा हाल कर लिया, ठीक है। और जबकि बस थोड़ी सी प्याज रह गई है कटने वाली, क्या सूरत है। हाँ जी, प्याज तो मैंने काट ली, प्याज इन्होंने प्याज काटी और रो रो के बुरा हाल कर लिया, और अब ये चूल्हा चलेगा। ये ऑयल डाल रही है, ठीक है। अब हम ना प्याज डालेंगे, ठीक है, थोड़ा ऑयल गरम हो जाए, ऑयल थोड़ा सा गरम हो जाए, फिर लाइबा प्याज डालेंगी। चले जी, सबसे पहले ऑयल डालेंगे हम, ऑयल नहीं प्याज, ऑयल गरम ऑयल में प्याज डालेंगे, वही ना प्याज डालेंगे, इसको हम डालेंगे गोल्डन, ठीक है। अच्छा गोल्डन करके इसके बाद फिर इसको हम गोल्डन करके एक प्लेट में साइड कर देंगे, फिर उसके बाद हम डालेंगे चिकन, फिर लहसुन अदरक, देखते रहे ना प्याज हमारी ब्राउन होने के लिए, बस जाना आता है जल्दी से निकाल दो। ये तो हल्की सी अगर और होती तो जल जाती, प्याज हमारी जलने वाली थी लेकिन बच गई, ठीक है। अब हम इसमें डालते हैं चिकन, ठीक है, अच्छा ठीक है ना, चिकन डाल दिया, अब क्या करने लगा, अब थोड़ा सा इसको भूनना है, फिर उसके बाद लहसुन अदरक डालना। अच्छा जी, थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो रहा है, वैसे ब्राउन नहीं हो रहा, फ्राई हो रहा है, ये तो ना सही ना बने ना, मुझे बताऊंगा ऐसे तो मुझे अभी से खुशबू आ रही है। क्या करोगे अब स्पून का, हैं इस स्पून से मैं लहसुन अदरक उसमें। अच्छा वाह भाई वाह, ये आ रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हमने लहसुन अदरक डाल दिया है, ठीक है, तो अब ये हमारा ये पूरा अच्छी तरीके से हमने भूनना है मसाले को, ठीक है, फिर उसके बाद हमने आगे देखते रहे कि क्या करना है। चलिए जी हम अपना मसाला डालते हैं। निहारी की खुशबू आने लग गई है भाई, बाकी में लग रहा है कि निहारी बन रही है। तो अब हमने इसे बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा भूनना है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है जो ऑयल है ना वो हमने इसके कटोरे में निकाल देना है, ठीक है। ओके गाइस, पता है क्या, ऑयल निकालना था इस वाले कटोरे में, ठीक है, डिश में, तो मैं तो भाई मुझे तो डर लग रहा था, मैंने कहा मैं मुझे लगता है डर ये ऑयल शॉयल निकालने के कामों में, या कुछ भी पतीली से पानी कहीं फेंकना हो तो मैं डरती हूँ कि मैं अपने ऊपर गिरा ना लूँ। तो मैंने अहमद से कहा अहमद आप बस मुझे ऑयल इसमें जो है ना निकाल के दे दें अलग से, फिर उसके बाद बाकी का काम मेरा है। तो अब अहमद जो ऑयल निकालते हैं, हमें निकालें ध्यान से अहमद, ये वैसे ऑयल निकाल क्यों रहे हो। हाँ मैं इसकी वजह भी बताती हूँ, बोटी ना निकालें, ऑयल निकालें, गिरा रहे हो, गिर रहे बोटी की वजह से, अब तो नहीं गिर रहा, नहीं देखो हैं, नहीं अब नहीं गिर रहा। यार अहमद आपसे एक काम बोला वो भी आपने गिरा दिया, ऑयल कितना ज्यादा ऑयल गिरा दिया है। तो भाई आपसे आप तो पूरी पतीली गिरा देती है, इस वजह से थोड़ा सा ऑयल बर्दाश्त कर लो। हाँ आप पता है क्या, अच्छा ऑयल निकालने की वजह भी मैं बताती हूँ, पहले हम डाले थे पानी, ठीक है, ये सारा पानी हमने इसमें डाल देना है, ठीक है गाइस। अब चूल्हा थोड़ा सा तेज कर दो, हाँ मैंने स्लो कर दिया था ना, ये
एक चूल्हा हम तेज कर देते हैं और ढक्कन ढक देते हैं। ठीक है, चलो ये ढक्कन ढक दिया, ढक्कन ढक दिया। ठीक है, अब मैं आप सबको ये ऑयल अलग से निकालने की वजह बताती हूँ, क्योंकि जब हम निहारी बनाते हैं ना तो आटा भी डालते हैं उसमें। ठीक है, तो जो आटा होता है ना वो सारा ऑयल पी लेता है, इसलिए हम मतलब आटा डालने से पहले ऑयल को एक साइड पे कर देते हैं, ताकि पहले हम आटे को अच्छी तरह घोल के निहारी में मिक्स कर दें, फिर उसके बाद ऑयल एंड में डलता है, ताकि निहारी जो खूबसूरत सी लगे, ऊपर ऊपर से जो ऑयल नजर आ रहा होता है ना हमें निहारी में, तो वो ऑयल एंड पे डालते हैं। प्याज किस लिए? ये भी एंड पे डेकोरेशन के लिए। अच्छा चला जी, अब इसको कितनी देर मतलब पकने देना है? इसी तरह कम अज कम 10 मिनट्स। आपने जो काम बढ़ाया ना, मेरे लिए एक काम हो रहा था यार। कौन सा काम बढ़ाया? हल्का सा हिल गया बस, नहीं गिराना चाहिए। अच्छा जी गाइस, अब हम जो है ना ये आटा गोल लेते हैं। ठीक है, तो गाइस हमने आटा इस तरह गोल लिया कि फुटकियां ना बने। तो चलो जी, कोई ज्यादा डर किया, चलो अब फुटकियां ना बने बस। पानी हमने ना इसमें थोड़ा ज़्यादा रखना है, ताकि शोरबा से बने ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। ठीक है, इतना पानी हम रखते हैं इसमें। हमारा आटा तैयार है, हम देख लेते हैं कि निहारी हमारी हो गई। बस ध्यान से, बस तो अब हमने ना इस चम्मच को चलाते रहना है अभी थोड़ी देर तक, जब तक जो है ना पूरा जोश ना आ जाए, मतलब अच्छी तरीके से ना पक जाए, क्योंकि ना उबाले आ जाए, फुटकियां ना बन जाए। हाँ, उबाले जब तक ना आ जाए। अब ये तो खा के पता चलेगा कैसी बन रही है। चलिए जी, अब हम ढक्कन ढक देते हैं, क्योंकि उबाले आ रहे हैं। आज हम थोड़ी स्लो कर देते हैं ताकि ढकती रहे। ठीक है गाइस, अब हम अपना ये जो हरा मसाला है ये तैयार कर लेते हैं। तब हम ये अपना सारा हरा मसाला तैयार कर लेते हैं गाइस। अब हम मुझसे ना प्लेट में कट नहीं गए थे नींबू, तो मैंने कटिंग ले लिया। सबसे पहले तो हम अदरक काटते हैं। जी हमारी अदरक जो है कट चुकी है, अब हम इसे प्लेट में काटते हैं। अब हम मिर्चे काट रहे हैं, तो जी भाई काफ़ी मेहनत हो रही है, और अब धनिया भी लाइबा तोड़ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी मसाले इन्होंने कर लिए हैं, ये उबाले खा रही हैं, ये ऑयल पड़ा हुआ है, ये जनाब वाला इन्होंने प्याज खा रही हैं, ये जो है नहीं आ रही। चलो जी, अब ये इतना जो है ना धनिया, ये धनिया काट रही हो या अपना जो है कहते हैं म्यूजिक बना लिए, धनिया का कचूमर बना रही हूँ। उंगली पे ना लग जाए फिर सारा रोटी रहोगी। अच्छा जी भाई, लाइबा ने काफ़ी मेहनत करके निहारी तैयार कर ली है, थोड़ी सी रहती है मेरे ख्याल में, उबाले आ रहे हैं भाई। तो अब हमारे दोनों के दरमियान है चैलेंज, मुकाबला। बिल्कुल हाँ जी, तो अब हमारा मुकाबला ये है कि कौन रोटी अच्छी बनाता है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि रोटी अहमद ही अच्छी बनाएंगे, तो मुझे आती है और अहमद को आती है। देखा, पहले ही आ रही है मेरे से। ठीक है ना, इन्होंने मतलब हार मान ली, लेकिन मैं कोशिश करूंगी अच्छी बनाने की। अच्छा, चलो जी हम रोटी बनाने चलते हैं। तो ये रहा भाई सारा जो है ना, ये पैक होके पेड़े बने हुए हैं। ठीक है, अब ये चूल्हा भी जला हुआ है, अब देखते हैं लाइबा रोटी बनाती है। मैंने बनाते हुए सबको देखा है, कभी खुद नहीं बनाई, लेकिन आज मैं टेढ़ी मेढ़ी बनाओ, मैं सीधी बनाना। लाइबा मेरा ख्याल है पूरी कोशिश करेंगी अच्छी रोटी बनाने की। ये तो गोल बन रही है, मुझे तो लग रहा है मैं गया वो अभी तक बड़ी अच्छी बन रही है रोटी, जबकि इन्होंने समझे जिंदगी में एक बार जो है ना बनाई है, वो भी टेढ़ी बनाई थी। ठीक है, खुशकी दादा लगाती हूँ ताकि आटा चिपके नहीं। चलो देखते हैं ना कैसी बनती है, कोई ना कोई तो काम करोगी डालते हुए रहना, कोई ना कोई तो काम होगा। खराब
और अच्छी बनाना, मोटी नहीं बनाना। नहीं नहीं, ये तो तेरी हो रही है, गोल कहाँ से? जो तो भी गोल चाहती हूँ, जो भी बनाओ ये। अब आप लोगों ने कमेंट्स में बताना कि किसने रोटी अच्छी बनाई है। चलो जी, ये क्या बन रहा है, खुद ही खाना है यार, बनवा तो रहे हो मुझसे, इतनी देर लग रही है रोटी। ऐसे डाल दूंगा क्योंकि मुझसे ना मोल नहीं आती। हाँ जो मर्जी करो, बस आप बना लो, ये देखते हैं कि कैसे बनाती हैं। ओ जी ये वो रोटी बाकी बन रही है। अच्छा इनकी रोटी की शेप जो है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी है, मुझे थोड़ा सा खतरा हो गया है, वो इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है लाइवा ने रोटी गलती से अच्छी बना ही ली है। थोड़ा चूल्हा तेज कर लो, अच्छी बन गई भाई, मुझे तो शक हो गया। तो ये रोटी की, हाँ खा लूँगा भाई, खा लूँगा। अच्छा अहमद ना रोटी अच्छी बनाते हैं, इस चीज़ का तो मुझे पता है, लेकिन मुझे लग रहा है मैं आज टेढ़ी मेढ़ी बनाऊंगा, जैसे आपने अच्छी बना ली। वैसे आपकी भी कोई इतनी वो नहीं बनी। और निहारी कहाँ तक पहुँची है भाई? निहारी में तो उबाले आ रहे हैं अभी भी। ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे तो दबाओगे ना थोड़ा थोड़ा लाल हो जाएगा। अक्सर लोग पता है क्या करते हैं, मतलब ये हटाते हैं ठीक है तवा, और फिर करते हैं, हाँ लेकिन इनसे तवा भी नहीं हट रहा। हाँ चल रहा है मेरा ख्याल है, ऊँ अभी काली हो जानी थी। सही है ना, काफी है। बस बता, अब आपको पता है भाई, मैं बताऊँ अब आपको सारी चीजें ताकि जीत जाओ आप। हैं ओए रोटी जल देगी, ओए पागल, देखो जला दी ना, कह भी रहा हूँ आप, कह भी रहा हूँ मैंने रोटी अपनी जला दी है ठीक है। आओ जरा, हाँ ऐसे नहीं करो, उस तरह करो, दूसरी साइड करो। तो जी ये है इनकी रोटी, अपनी जैसी इन्होंने बनाई है, बस ही कर दो। आप लोगों ने बताना है कि लाइवा ने रोटी कैसी बनाई है। अब मेरी बारी है, तो लाइवा ये लो आप पकड़ो कैमरा। तो अब मैं रोटी बना रहा हूँ, तो अब हम देखते हैं रोटी कैसी बनती है मेरी। हाँ गर्मी तो वाकई में भाई, आप यकीन माने हमारी माओ को बस अल्लाह पाक सलामत रखे, वो आप समझें 20-20 रोटियां घर की बनाती हैं और जो है ना हम नखरे करते हैं। अहमद की रोटी बन रही है। तो जी रोटी बन रही है, अहमद आपकी अच्छी बन रही है, अभी स्टार्टिंग में ही अच्छी बन रही है। अब देखो आपकी भी स्टार्टिंग में अच्छी बन रही थी, आप क्यों रो रही हो? इसलिए कि अगर आप मुझसे अच्छी बना रही है तो चलो कोई नहीं, फायदा ही है, आपको अच्छा रोटी बनानी आती है। कोई नहीं, एक ही बार बना रहा हूँ, हर बार नहीं बनाऊंगा। हाँ लेकिन चैलेंज था मेरा आपके साथ, तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, चैलेंज तो विन करना। वैसे मुझे रोटी बनाने का शौक है, लेकिन बस सीखने में कुछ होता है। और आपसे बड़ी बनेगी मेरी, ये मुझसे घूमता नहीं है, जो चीज़ जिस तरह घुमाने ना इस तरह में घुमाती हूँ ना रोटी टूट जाती है। रोटी वैसे मेरी थोड़ी सी जो है ना अच्छी बन, अच्छी है ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा पतला कर, जल्दी बना लो, भूख लग रही है। खुशका जो है ना वो हटा देना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। खुशका नहीं खुशकी, एक ही बात है। चलो तो ओए ये हमारी तवे पे चली गई, थोड़ा सा चूल्हा तेज कर लेंगे, लेकिन मेरी बहुत अच्छी बनी है, मुझे तो लग रहा है मैं ही भी लूंगा। वैसे लाइफा की भी अच्छी है, मुझे थोड़ा सा डाउट और है क्योंकि कमेंट्स लाइफा के भी आ सकते हैं, देखे ना मेरी भी अच्छी बनी है। गाइस आप देखेंगे अहमद सेक रहे तवा हटा के, और मैं ना तवा मुझे डर लग रहा था कि अपने ऊपर ना गिरा लूं। नहीं भाई तवा तो, बाकी में गिर जाना था। हाँ इसलिए मैंने तो तवा हटाया नहीं, मैंने ऐसे कपड़े से सेक दी, ठीक है अहमद की रोटी बन गई। अहमद हॉट पॉट में रख लें, बस करो दो। तो जी अहमद की ये रोटी बन चुकी है, गोल गोल है, और मुझे लग रहा है मैं विनर हो गया बिल्कुल। अब आप सारा वगैरह करो यार।
चले मैं सारा निकालती हूँ, फिर हम खाना खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, फिर बताते हैं कि नेहारी और रोटी कैसी बनी है। चले जी अब हम हमारी नेहारी तैयार हो चुकी है, ठीक है अब हम इसे सर्व करते हैं। तो जी भाई धुएं फुल उड़ रहे हैं, फुल गर्मा गर्म, और ये रोटियां भी लाइफ आ रही हैं। वाह भाई वाह, ठीक है ओके, बस ये हम बाद में खाएंगे। ठीक अब क्या करना है, ये जो हमने ऑयल निकाला था ना, अच्छा अब ये ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये आ गया, ये हमारा ऑयल पन किया, और ये हमने थोड़ी जो प्याज की थी ये ऊपर से डाल देते हैं। और ये वैसे अच्छी लग रही है, अदरक खा के देखेंगे, खुशबू भी अच्छी आ रही है, थोड़ा सा धनिया और ये थोड़ी मुझे वो ना हो जाए। ये फाइनली हमारी निहारी की लुक है। तो जी ये रही लाइवा की निहारी, वाह भाई वाह लाइवा। मैं ना इसको प्लेट में सर्व करती हूँ, ठीक है, और इसको तो बता दे। हाँ ये है शाही टुकड़े, ये तो भी बड़े टेस्टी लग रहे हैं, ठीक है ये हमारी मामी ने बनाए हैं, ठीक है, और ये लाइवा ने बनाए हैं आपके सामने। तो लाइवा जी अब चेक करते हैं कि आपने निहारी कैसी बनाई है। या ये प्याज व्याज मैं खाती नहीं हूँ। हाँ मैं भी तो नहीं खाता। डेकोरेशन हाँ, के लिए डाल दे, थोड़ा साइड पे कर दो। और भाई मुझे जो है ना लीमू अच्छा लगता है इसमें, ठीक है, थोड़ी सी मिर्ची भी सही लगती है, और ये धनिया भी अच्छा लगता है। और ये रोटी है, ठीक है, ये एक रोटी जो है इनमें से है मेरी, ठीक है, ये रोटी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये रोटी आप देख सकते हैं, और ये है लाइबा की, लाइबा ने अपनी जैसी जलेबी बनाई है, ठीक है ना लाइबा। चल मैंने निकाल लिया, अब निहारी में थोड़ा सा हम डाल भाई, ये ना डाले अपने साइड पे डाल। अच्छा भाई मैं अपने साइड पे, इतना ज्यादा क्यों डालते हैं यार, मुझे अच्छी लगती है ना। अच्छा अब अहमद लीमू नहीं छोड़े, चलो जी लीमू ने छोड़ लेते, क्योंकि गाइस पता है क्या मुझसे सारे काम हो जाते हैं लेकिन लीमू नहीं निचोड़ता, ठीक है, मुझे कुछ होता है लीमू निचोड़ने में, इतना आसान है ना यार, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, पहले आप खा के टेस्ट करेंगे। हाँ मुझे तो ठीक है, मैं आपकी वीडियो सामने से बनाती हूँ, आप टेस्ट अच्छा करें और बताएं। सबसे पहले मैं अपनी वाइफ के हाथों की रोटी खाऊंगा, ठीक है, जो कि हमें कम ही मिलती है। बहुत कम मिलती है क्योंकि ये रोटी इनको आती नहीं है, बनाती नहीं है, ठीक है। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, जरा पास आके दिखाओ जरा। अच्छा निहारी चिकन की है, अगर ये बीफ की होती ना तो और लजीज होती। बिस्मिल्लाह, अच्छी है, हैं? कमाल यार वाकई में, हैं? कसम से। चलें अब मैं खाती हूँ, यार यकीन नहीं हो रहा लाइबा। अच्छा चलें अब मैं खाती हूँ, आप मेरी वीडियो बनाएं। मैं कह रहा हूँ यकीन नहीं हो रहा आपने बनाई है यार, आप यकीन कर ले मैंने बनाई है। यार मैं छोड़ दो वीडियो यार, खत्म करो ये, मैं पागल हो गया यार, कमाल बना दी है। अच्छा वाकई में, अच्छा मुझे तो खाने दे, मुझे भूख लग रही है, प्लीज। यार आपके हस्बैंड खा रहे हैं ना, देखो गौर से यार, मुझे खाने दे, मुझे भूख लग रही है। एक मिनट, एक और बाइट खाने दो, मेरे रहा नहीं जा रहा, यकीन मानो मैं झूठ नहीं बोल रहा, कसम वाली बात है। सुबह का नाश्ता किया हुआ मैंने, उठे। थैंक यू, ओके ओके। मुझे अब ये अहमद के हाथ की रोटी और ये अपने हाथ की निहारी खाती हूँ, बिस्मिल्लाह है। हाँ लग रहा है आपने बनाई है। ओए 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 कमाल हो गया यार, मजा आ गया। ओए ओए आप सबने जरूर ट्राई करनी है, बहुत मजे की बनी है, ठीक है। लाइबा ने तो भाई माशाल्लाह से बहुत अच्छी निहारी बनाई है, और लाइबा जो है ना खाने में मसरूफ हुई हुई है, तो दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाक का जिक्र करते रहें, और इसी तरह हमारे व्लॉग्स देखते रहें। ओके जी अल्लाह हाफिज।